छेड़ू कसाना कहाँ तमाम करूँ, कहाँ से छेड़ू कसाना कहाँ तमाम करूँ, जरा नजर जो मिले फिर उन्हें सलाम करूँ। तो मुश्किल हो रहा है कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म करें। स्टार्टिंग फ्रॉम दी बट रियली व्हेन आई केम टू नो अबाउट दिस इवेंट सो आई वॉज लिटिल डाउटफुल एंड आई वॉज लिटिल स्केप्टिक दैट इज इट अ वाइज डिसीजन टू ऑर्गेनाइज द टीचर्स प्रोग्राम एट द यूनिवर्सिटी लेवल। But now I think it's proof that we sometimes require or need an event like this so that we can express our feelings or we can express our emotions. मुझे कबीर दास से जो नौशाबा मैम ने दोहा पढ़ा था वो तो पढ़ के चली गई तो वो मैंने देखे भी लाया था। So I have to start. Kabir is very very important when it comes to teacher. But luckily मैंने दोहे लिखे थे तो एक बचा हुआ है। तो एक मुझे कबीर दास हमेशा is very important when it comes to a teacher like गुरु गोविंद दो खड़े। See the level of teacher. लाइफ में दिस इज अ काइंड ऑफ एप्रिशिएशन एंड यू कैन टेक इट अवे दैट टू पीपल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ यू नो वन इज योर पेरेंट्स जिससे पूरी जिंदगी आपका नाम जुड़ा होता है और दूसरे आपके टीचर्स होते हैं स्पेशली वो टीचर जो अगर आपने गलती से पीएचडी कर लिया तो वो टीचर का नाम पूरी जिंदगी शायद आपके साथ जुड़ा रहेगा और मुझे लगता है कि लाइफ सब लोग करेंगे तो दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। सो गुरु का जो मर्तबा है वो भाई सी बात है ये ऐसे वर्ड्स हैं माँ गुरु जिनको हम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स। कबीर दास का जो एक दोहा बहुत इम्पोर्टेंट है वो कहते हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं जब मैं था तब गुरु नहीं अब गुरु है मैं ना ही। मतलब जब मेरे अंदर मैं ये वो वाला मैं नहीं है मैं का मतलब यहाँ ईगो की बात है जब मैंने गुरु जब तक मैं गुरु की कांटेक्ट में नहीं आया था तब तक मेरे अंदर अहंकार था और अब गुरु है मैं ना ही। अब मेरे अंदर वो गुरु मुझे वो गुरु मिल गया है जिससे मेरे अंदर का वो अहंकार खत्म हो गया है। तो जब मैं था तब गुरु नहीं अब गुरु में मैं ना ही। प्रेम गली अति सागरी प्रेम गली अति सागरी तामे दो न समाए। प्रेम की जो गली है वो इतनी सक्री है कि जिसमें मैं और गुरु एक साथ दोनों नहीं रह सकते। अगर आपके अंदर मैं है इसका मतलब यू हैव नॉट फाइंड अ गुड टीचर हु कैन गाइड यू हु कैन ब्रिंग यू फ्रॉम इग्नोरेंस टू द लाइफ। राधा कृष्ण जी का एक स्टेटमेंट मुझे याद आता है ही सेज दैट नॉलेज गिव्स अस पावर बट लव गिव्स अस फुलनेस। सो एक इंसान के अंदर जो फुलनेस आती है वो मोहब्बत से आती है। नॉलेज हमको कहां से मिलता है गुरु से मिलता है। बोले सर की उस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिन्होंने एक इंसान के का जो सबसे पहला टीचर होता है सबसे पहला गुरु होता है वो माँ की गोद होती है और उन्होंने बहुत फोकस किया इस बात पे। मैं भी फोकस करने के साथ साथ कुछ स्टूडेंट की भी फरमाइश थी और कुछ टीचर की भी फरमाइश थी। मैं ये जो गजल है मेरी खुद सेल्फ कंपोज है मैं अपनी वालदा को डेडिकेट करना चाहता हूँ और इससे सब लोग इत्तेफाक करेंगे। गजल एक ऐसा मौजू है जिसमें अलग अलग शेर अलग अलग बातें कहते हैं तो इसमें कुछ इश्क के भी शेर आएंगे और मेरा ये मानना है कि जिंदगी में इश्क होना बहुत जरूरी है। दो रीजन हो सकते हैं जिसको इश्क नहीं हुआ है ये आप मान लीजिए
या तो उसको मौका नहीं मिला है और दूसरा या तो वो बीमार है। तो बहुत ही अहम, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तो आप इस्लामिक फिलोसफी की पूरी हिस्ट्री ट्रेडिशन को देखिए, कबीरदास की पूरी ट्रेडिशन को, कबीर वाणी को देखिए, वो कहते हैं कि कोती कोती जग हुआ पंडित भया न कोई, भाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो ये कोई मैं नई बात नहीं कर रहा हूँ, तो गजल तीन चार मिनट बर्दाश्त करना है आपको। छोटी सी गजल है कि जिसका मतले का शेर है, ऐ खुदा ऐसा मोजिजा हो जाए, ऐ खुदा ऐसा मोजिजा हो जाए, जो नहीं है मेरा मेरा हो जाए। ऐ खुदा ऐसा मोजिजा हो जाए, जो नहीं है मेरा मेरा हो जाए। और जिस शेर के लिए गजल मैंने लिखी, वो शेर ये है कि ऐ खुदा ऐसा मोजिजा हो जाए, जो नहीं है मेरा मेरा हो जाए। घर से निकलो तो दुआएं मां के लिए, घर से निकलो तो दुआएं मां के लिए, कौन जाने कहां पे हादसा हो जाए, कौन जाने कहां पे हादसा हो जाए। गजल का अगला शेर बहुत ध्यान देकर सुनिएगा, थोड़ी फिलोसफी भी है। बन न जाऊं मैं मोम से पत्थर, बन न जाऊं मैं मोम से पत्थर, हादसा ये ना आए खुदा हो जाए, हादसा ये ना आए खुदा हो जाए। और हाल ये है हमारी बस्ती का, बस्ती मतलब सोसाइटी, हाल ये है हमारी बस्ती का, कौन किस वक्त बेवफा हो जाए, कौन किस वक्त बेवफा हो जाए। और तू भी मजबूरियां बयान करे, दीवान सर पकड़ रहे होंगे क्योंकि अहमद फराज ने भी इस तर्ज पे लिखा हुआ है, तो मैंने कॉपी नहीं किया, ट्रस्ट में क्या है, ख्याल टकरा गए और फिर कोई कॉपी और उसका प्लेजरिज्म का कोई मसला नहीं है। तू भी मजबूरियां बयान करे, तू भी मजबूरियां बयान करे, दिल कहीं और मुबतला हो जाए, दिल कहीं और मुबतला हो जाए। और कब कोई साफिया तेरा हो जाए, कब कोई साफिया तेरा हो जाए, कब कोई रिंद पारसा हो जाए, कब कोई रिंद पारसा हो जाए। और जैसे बस्ती है फूल में खुशबू, जैसे बस्ती है फूल में खुशबू, वैसे मस्कन ये दिल मेरा हो जाए, जैसे बस्ती है फूल में खुशबू, वैसे मस्कन ये दिल मेरा हो जाए। और मैं सूफिज्म सर पढ़ाते हैं तो मैं सर की खास तवज्जो चाहूंगा, इसमें शायद मैंने सूफिज्म कुछ बात करने की कोशिश की है। तो जैसे बस्ती है फूल में खुशबू, वैसे मस्कन ये दिल मेरा हो जाए। और जो बका चाहता है ऐ आमिर, जो बका चाहता है ऐ आमिर, वो मेरे इश्क में फना हो जाए। स्टूडेंट of PhD and MA, BA, all the people who are involved in the organization, thank you so much and wish you all the best.